हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैंने आज फिर एक छोटा सा एरोप्लेन बनाया है, जो एरोप्लेन हैंड थ्रो वाला EPP फॉर्म में आता है। मैंने उसको RC प्लेन में कन्वर्ट किया है। मैंने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाकर उसको कंट्रोलर की मदद से मैंने उसको फ्लाई किया है, और आज मैंने उसका सक्सेसफुल टेस्ट लिया है, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है मेरा RC प्लेन। इसमें मैंने डबल मोटर यूज़ किया है। ये देखिए, इसमें 55 mm प्रोपेलर यूज़ किया है मैंने, और ये EPP फॉर्म है। आपको इजीली ऑनलाइन मार्केट या अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी साइट के ऊपर आपको ये वाला ग्लाइडर प्लेन है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके, ये देखिए, यहाँ मैंने अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया है, और ये मैंने इसमें 9 ग्राम सर्वो मोटर से इसमें एलिरॉन्स को कंट्रोल किया है, और पीछे मैंने एलिवेटर भी इसमें एक लगाया है। एलिवेटर को भी मैंने 9 ग्राम सर्वो के थ्रू कनेक्ट किया है, जिससे ये प्लेन लिफ्ट करने में मदद करता है। इसके बाद में ये मैंने मोटर माइक्रो, ये ब्रश्ड मोटर है, ब्रश वाली मोटर होती है। इसमें मैंने जो ESC कंट्रोलर लगाया है, ये स्पीड कंट्रोलर है, ये देखिए, ये स्पीड कंट्रोलर है। ये इसका स्विच है, और इसकी मदद से इसमें मैंने बैटरी जो है, यहाँ पे ये आपको स्क्रू जो दिख रहा है, जस्ट इसके नीचे मैंने 2 सेल बैटरी जो है, लिपो बैटरी मैंने यूज़ की है 7.4 AH की। उसके बाद में ये मेरा फ्लाइस का एक कंट्रोलर है, ये मैंने पहले जब फ्लाइट बनाई थी उसी का कंट्रोलर है। इसको मैं अपने रिसीवर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसके थ्रू मेरा प्लेन फ्लाई करने के लिए तैयार रहता है।